अनूपपुर की बात करेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता में पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए 360 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ के बारे में जानकारियां दी। आपको बता दें कि आरोपी राहुल अग्रवाल द्वारा अपने घर और दुकान में विस्फोटक पदार्थ के भंडारण और उसके विक्रय किए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर पुलिस बल ने संयुक्त रूप से दबिश देकर आरोपी के घर पर बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस को आरोपी के घर से लगभग 1.5 किलोग्राम सिल्वर कलर का विस्फोटक पदार्थ, 33 नग हरे रंग की सेफ्टी फ्यूज बत्ती और अन्य विस्फोटक पदार्थ को बरामद कर जब्त किया गया है। इस घटना पर थाना कोतमा में विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोपी राहुल अग्रवाल को हिरासत में लिया गया है। इसमें आगे कहां से आया है, ये इसका मूल जो स्रोत है वो क्या है, ये इसके लिए जो SIT बनेगी वो जाकर वहां पर निशानी पर रेड करेगी, पता करेगी, वहां की स्थानीय पुलिस से मिलेगी, वहां की स्थानीय पुलिस विशेष को अवगत कराएगी और फिर एक संयुक्त रूप से वहां पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। कितनी मात्रा में सर मामला हो गया? जो दूसरा प्रकरण है उसमें 3 क्विंटल और 60 किलोग्राम, तो ये एक काफी बड़ी मात्रा है और घनी बस्ती में इस तरह का विस्फोटक सामग्री का भंडारण ये अवैध होने के साथ साथ जोखिम भरा भी है। तो ये जोखिम भरी बात को मैं ज़्यादा बल देता हूँ कि हमारे जवानों ने और जो SSB के जवान हैं जिन्होंने सबसे पहले इस थैले को देखा।